ये देखो रिद्धि ने मेरे कितना बड़ा नाखून मारा है यहाँ पे। पापा पागल था, पापा मैं पागल मैं आज सामान ना डब्बों में डाल रहे हैं चीज। रीश भट्ट एंड फैमिली व्लॉग्स। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है नई वीडियो नए व्लॉग में। तो दिन की शुरुआत हो चुकी है, रिद्धि हमारी अभी अभी 1 सेकंड पहले उठी है। तो गुड मॉर्निंग रिद्धि, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मुझे अभी और सोना है, मुझे मजे करने हैं, मुझे नींद आई है पापा, मुझे मत उठाओ, है ना, मुझे मत उठाओ पापा, ऐसे ही कहना चाहते हो ना, मुझे सब पता है। अब बहुत चलाक हो, अब बहुत चलाक हो, अब बहुत चलाक हो भाई। सबको हेलो बोल दो, सबको हेलो बोल दो। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग भाई, राधे राधे, जय माता दी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। वाओ, शाबाश, गुड, नाशी नाशी, आप तो बहुत क्यूटी हो, क्यूटी पाई हो रे। ये क्यूटी पाई लड़की कौन है? और इधर नोबिता घूम के आ चुका है और इसने अपना फूड भी खा लिया है। पहले नोबिता ना 11-12 बजे के बीच में खाता था खाना, तो हमने अब इसको एक अच्छी आदत ये डाल दी है कि सुबह आते ही अपनी कैल्शियम बॉन्ड तो लेता ही लेता है, उसके साथ ही मैं इसको 5 मिनट के गैप के बाद ही इसके 2 एग जो डाइट है इसकी डेली वो सुबह ही खिला देता हूँ। फिर जाते वक्त इसको हम एक इसकी सॉसेज है हेल्दी सी वो दे देते हैं और बिस्किट्स देते हैं। बिस्किट्स ये बाद में धीरे धीरे खाता रहता है और पानी हर जगह भर के रख देते हैं, नीचे भी ऊपर भी, और हर जगह एरिया खुला ही है तो अपना घूमता रहता है। और फिर शाम को फिर इसे खाना खाता है रोटी के साथ, ये इसकी डाइट है। तो प्रॉपर खुश है, अच्छा है, यहाँ पे हेल्दी है और कपड़े कुपड़े भी अपने पहनता है बढ़िया। देखो ये देखो नोबिता, ओ नोबितड़ी, क्या कर रहे हो ये है, क्या कर रहे हो ये बताओ, क्या कर रहे हो? बादाम खाएगा? यहाँ पे बादाम पड़े हैं पर हमने कल रोस्ट किए थे। शाबाश मेरा बेबी। रिद्धि आप नोबिता को क्या बोलोगे? भैया भैया नोबिता भैया, ठीक है, क्या बोलोगे? नोबिता भैया। हाँ अब मैं कपड़े बदल दूँ, नहा दूँ, नहला दूँ, बताओ 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 बताओ, नहला दूँ? बहुत सारे कमेंट आते हैं कि एक दिन बाद नहलाया करो, हम ऑलरेडी इसको एक दिन बाद नहलाते हैं। रिद्धि 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 रिद्धि, नहा धो के तैयार हो गए हो? आज हम पानी करेंगे, आज हम पानी करेंगे। सच में रिद्धि भी कह रही है आज हम पानी करेंगे। क्या पार्टी करोगे बताओ, क्या खाओगे? है क्या खाओगे? पता नहीं यार। पिज़्ज़ा बर्गर? नहीं नहीं पिज़्ज़ा मैकडी? नहीं नहीं कॉफी? कॉफी गार्लिक ब्रेड? पिज़्ज़ा सैंडविच? गार्लिक ब्रेड और कॉफी की ऑप्शन अच्छी लग रही है अगर कोई सीरियसली पार्टी देना चाहता है तो। ओके ओके ठीक है रिद्धि, आप भी पियोगे कॉफी? पानी करेंगे। बताओ ये कॉफी लवर होगी कि चाय लवर होगी? ये कॉफी लवर होगी। कॉफी लग रहा है कि ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। चोट क्यों मारी आपने भाई? अपने भी यहाँ मार लिया, मेरे भी मार दिया। बोलो पापा पागल था, पापा मैं पागल था। ओ बल्ले बल्ले, ओ बल्ले ओ बल्ले ओ बल्ले
मैं अभी अभी उठी हूँ, अब मम्मी पापा आके तोतला बोलेंगे। अले मेला बेबी उठ गया है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग मेला बेबी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग मेला बेटा। गुड मॉर्निंग। खुद ही तोतला बोलना सिखाते हैं। जब मैं तोतला बोलूंगी फिर डॉक्टर को कहेंगे ये साफ कब बोलेगी। किस किस किसी का किस थप्पड़ मारूंगी, हाँ थप्पड़ मारूंगी। किस किस पुष्पा टू का गाना आया बहुत ही कमाल, तो मतलब कि उसको समझ नहीं आ रहा उस पे थोड़ा हंसे या कॉमेडी करे या समझ नहीं आ रहा क्या है वो, क्या चीख रही है? ये भी गा रही है मेरे को लगता है। थप्पड़ मारूंगी, थप्पड़ मारूंगी, किस 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 किसी का किस किस। तो कैसा लगा आखिर ये गाना आपको? अच्छा लगा सर मेरे को, मतलब लिरिक्स इतना अच्छा नहीं है बट वाइब अच्छा है। हाँ वाइब तो अच्छा है, वाइब तो ऊ अंटा आ मामा, ऊ अंटा मामा, लिरिक्स अच्छे नहीं बट वाइब। हाँ वाइब अच्छा है, उसी तरह का उन्होंने कोशिश किया एटम नंबर बनाने का, तो ठीक है बढ़िया। वैसे तुम अल्लू अर्जुन की तरह दिखते हो, किसी ने बोला तुम्हें? यूनिवर्सिटी में बोला है। हाँ कमेंट में भी बोल रहे हैं, करे अल्लू अर्जुन की तरह दिखते हो भाई। ओके ओके कराए। ये रिद्धि हमारी देखो तैयार होके कैसे सज धज के बैठी है, अपना रोमपर पहन के कपड़े पहन के। अंदर से तो रोमपर है ना। वाओ हम करने लगे हैं लंच चिली पनीर का। तो प्रपदा क्या करती होती है, रात को ही बना लेती होती है सब्जी, कि सुबह इनके पास टाइम नहीं होता बनाने का। तो और जो रात को बनाते हैं हम रात को नहीं खाते हैं, वो हम खाते हैं सुबह और इस टाइम पे, है ना। और कैसा बना है अभी देख के बताऊंगा मैं, क्योंकि ये तो प्रभ ने बनाई है और देखने में तो अच्छी लग रही है। तो हम खाएंगे, मजा आएंगे। ये हाय हाय चिल्ली पनीर कैसा बना? बहुत स्वाद है। रिद्धि को लेके जा रहा हूँ। रिद्धू इधर देख तो लो। हाँ इधर को देखो, सबको हाय बोल दो। चले तो हम घर में आ गए हैं, तो रिद्धि को वहां पे लिटा दिया है अलग से, ऐसे पूरा एल शेप बना के छुपा के, क्योंकि हमें घर का काम काज कर रहे हैं दोनों मिलके। तो इतना सारा अभी हम राशन भी लेके आए हैं, आजकल डाइटिंग शाइटिंग चल रही है तो मखाने लेके आए हैं, काजू हैं, बादाम है, और ये कपड़े धोने वाला व्हील है, दालें हैं, कुछ राशन है, देसी घी है, चावल है, तो ये सामान लेके आया हूँ। और हमारा ये केजी वाला, ये वाला अच्छा रहता है आटा, हम लेके आते हैं उसको यूज़ कर रहे हैं आजकल। और प्रब लगे है, प्रब के लिए बिस्किट भी लेके आया हूँ, ये वाले, ये प्रब को बहुत ज़्यादा पसंद है आटे वाले। और इधर ये देखिए, ये है मूंगफली, सर्दियों का मतलब कि रामबाण इलाज। और इधर दूध उबल रहा है, इधर नोबिता देख रहा है कि मुझे खाने को क्या मिलेगा। इसको रोटी खिलाता हूँ अभी मैं इसकी ग्रेवी के साथ। और इधर पड़ी है हमारी गच्चक, और अभी खिलारा पड़ा हुआ है पूरा घर में। और रिद्धि अपने कारनामे दिखाने से बाज नहीं आ रही है। वो देखो, वो देखो, वो देखो, आह आह आह। यहाँ सामान ना डब्बों में डाल रहे हैं, चीजों में, जैसे आटा मैंने रख दिया है और चावल रख दिए हैं, ये प्रब दालें रख रही है। उधर इतने में रिद्धि मार रही है चीखे कर रही है, वाओ कैसे कर रहे थे आप, कैसे कर रहे थे, कैसे कर रहे थे, कैसे कर रहे थे, हैं बताओ कैसे कर रहे थे। वाओ मेरा क्यूटी पाई, मेरा क्यूट बच्चा, छोटू सा बेबी है हमारा। दी अपनी बेड के तरफ जाती हुई खिलारा डाल के रखती है अपने बेड पे। तो प्रभ जी कैसा रहा आज आपका पूरा दिन? हैक्टिक। हैक्टिक यस। ओके कभी बोल भी दिया करो। और दोस्तों आपको एक और बड़ी बात बताता हूँ, प्रभ ने दो व्लॉग बना रखे हैं
और एडिट नहीं किए, अपलोड नहीं किए, और स्पेशली मैंने साथ में हेल्प करके व्लॉग बनवाए कि चलो आप अपना चैनल शुरू करो। और पता है आपको चिली पनीर की रेसिपी मांग रहे हैं सभी, ठीक है जो, जल्दी बना दूंगी। अरे जो बनाया वो बोल के बता दो। नहीं मैं व्लॉग बनाऊंगी उसका भी। तो फिर बना लेना था, अब कब दोबारा बनाओगी? मैंने नहीं खाना जल्दी जल्दी, कम से कम 10 दिन बाद खाऊंगा। 10 दिन बाद, 10 दिन में तो ये भी एडिट होके आएंगे अभी। कौन एडिट होके आएंगे? व्लॉग जो पड़े हैं दो। अच्छा तो मैं जल्दी चिली पनीर की रेसिपी शेयर करूंगी। कैसे रिएक्ट कर रही है, कैसे रिएक्ट कर रही है। अच्छा और आप अपने घर को मिस करते हो? नहीं। क्यों? मुझे ये अच्छा लगता है। मैं तो भाई बहुत मिस करता हूँ पटियाला को। नहीं ऐसे तो मैं भी मिस करती हूँ। हाँ पर यहाँ भी अच्छा लग रहा है। एक्चुअल में बिजी हो गई ज्यादा, मेरे को टाइम ही नहीं मिल रहा ये सब सोचने। दो लोग इतने नजदीक हो के भी हम नहीं जा पाते, मिल नहीं पाते। नहीं मिल पाते, टाइम ही नहीं होता, कहाँ जाए। मम्मी वही फोन करके कह रहे थे आज कहते दीदी को छोड़ जाओ मेरे पास कि मैं रख लूंगी, कल दे दो मुझे। तो मैंने कहा मम्मी अभी तो टाइम नहीं है, उनका देखते हैं फिर भी क्या होता है। ना रिद्धि हन्ना रिद्धि, सभी रिद्धि से मिलना चाहते हैं। रिद्धि क्योंकि सुपरस्टार है, सबकी डॉन है रिद्धि। रिद्धि देखो लगी है उसके साथ। स्नैकिंग का यहाँ पे इंतजाम रहता है, ये प्रब की है सारी, ये नमकीन, उधर मैगी, कच्ची मैगी खाती है ये, कच्ची मैगी, बेशरम कहीं की। और वो देखो सारे बादाम खा लिए। ये पता किसने खाए हैं? इसमें से ज्यादातर अखिल ने और मैंने, बस सुबह तो बहुत सारे थे। अखिल जब भी कमरे में आ रहा है इसको लेके जा रहा है। मैंने कहा उधर ले जा, कोई नहीं, मूंगफली उसने खा ली है, अब हमारी बारी है। अमिता भी हमारा पूरा मजे से सो रहा है बेड पे, उसका ये कॉर्नर पक्का फिक्स हो गया सोने का, मजे से सोता है यहाँ पे। आज ये नहीं जल्दी जल्दी सोने वाली, दिन में बहुत सोया है, बहुत सो रखी है ये। उधर पर अब गई थी देखने, तब वहां भी सोई हुई थी मजे से। ये देखिए क्रेच में बेबीज का स्लीपिंग टाइम चल रहा है, तो रिद्धि बिल्कुल मेरी तरह सोती है, मैं भी इसी तरह नीचे को मुंह करके सोता हूँ। पर अब बोल रही थी आपकी तरह सोई हुई थी, तो इस तरह देखो बच्चों को पूरा ये पैंपर करके रखते हैं, सुलाते हैं। रात को सोई नहीं है, रात को बहुत तंग किया इसमें। अच्छा क्या किया? अच्छा तो ठीक है दोस्तों, ये वीडियो ये ब्लॉग यहीं तक का था। तो जितना भी बन पाता है मैं कोशिश करता हूँ कि ब्लॉग बनाऊं, मैं बनाऊं बनाऊं बनाऊं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। जय हिंद, खुश रहिए, आबाद रहिए, और जल्दी आपको एक बहुत ही अच्छा सरप्राइज मिलने वाला है, आप खुश हो जाओगे वो ब्लॉग देख के। बने रहे ब्लॉग में।